हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज और आलू की दो प्याजा सब्जी। तो देखिए, आप देख सकते हैं 500 ग्राम हमने आलू काट लिया है और उतनी ही हमने प्याज ले ली है। और ये अदरक लहसुन है, इसको हमने छील लिया है और इसको हमने अच्छे से धुल करके कट कर लिया है। और आलू भी हमने धो करके काट लिया है। और ये देखिए गरम मसाला है, ये 8-10 दाना हमने लौंग ले ली है, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 10-12 दाना जो है काली मिर्च है, और 1 इंच का ये इसका क्या नाम है, दालचीनी है, और ये जीरा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है सरसों का, आप जो है रिफाइन भी डाल सकते हैं। और प्याज को हम इसमें डाल देंगे। अब प्याज को हम अच्छे से लाल होने देंगे। बिल्कुल हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसका पानी जल जाए, थोड़ा सा पानी बस हम जलाएंगे इसका, ज़्यादा नहीं। तो ये अदरक लहसुन जो हमने छील करके रखा था, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। और ये 2 मीडियम साइज का हमने टमाटर ले लिया है, इसको हम अच्छे से धुल लिया है, इसको हम काट लेंगे। तो देखिए, देख सकते हैं प्याज जो है बिल्कुल हो चुकी है, एकदम से हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो ये अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला था, वो भी देखिए हो चुका है। अब हम इसमें जो हम सारा गरम मसाला खड़ा लिए थे, उसको हम ऐड कर देंगे। और मिर्चा हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप कम या ज़्यादा इसको डाल सकते हैं। हमने 1 स्पून डाल दिया है और 1 स्पून हम गरम मसाला डाल देंगे इसमें। हाथों का बना हुआ है घर का, और हम 1 स्पून स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। और हम इसको अच्छे से चला लेंगे। आप देख सकते हैं, अब हम सारा एक साथ सब डाल देंगे। फिर देखिए, हमने टमाटर डाल दिया है, फिर उसके बाद हम आलू भी ऐड कर देंगे। और हम इसको अच्छे से चला लेंगे। तो देख लीजिए, हमने अच्छे से इसको चला दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आलू गलने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो देखिए, इसमें से हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, फिर हम इसको ढक देंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं तो हमने ढक दिया है। अब हम इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। सब्जी देखिए बन चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए, हमने सब्जी को सर्व कर दिया है। देखने में भी इतनी अच्छी है, देखिए इसका कितना अच्छा कलर है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।